Good morning, students. Good morning, students. How are you? I am also fine. We have to already learn about geometry. Geometry के बारे में हम लोग पहले definition पढ़ चुके हैं. अब हम लोग exercise पर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो लेट्स नाउ सॉल्व एक्सरसाइज 71. एक्सरसाइज 71 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. इसमें दिया है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. वन का इन इसमें कितने लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, तो लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन क्या पढ़े थे. ए लाइन विच हैज टू इन पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट, है ना. तो इसमें ये और ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, तो इसमें कितने हैं, हाउ मेनी, 1 2 3 4 5, है ना. आंसर लिखना है 5 लाइन सेगमेंट. ये नंबर हो गया, बी नंबर का फिगर दिया हुआ है. ठीक है, बी नंबर के फिगर को हम लोग देखते हैं. ये बना हुआ है स्पाइकर से, इस प्रकार से बना हुआ है. ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, कितने लाइन क्या हो. यहां पर देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6, है ना. ये आंसर में लिख देंगे 6 लाइन सेगमेंट्स. आगे बचा सी नंबर में. सी नंबर में ये ट्रायंगल है और इनके साइड्स को यानी सेगमेंट्स को हम लोग काउंटिंग करके लिख देंगे. तो इसी प्रकार से ये बन जाएगा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. कहा है ड्रॉ एज मेनी लाइन सेगमेंट्स एज यू कैन बी द इन पॉइंट्स एट द 3 गिवन पॉइंट्स. ठीक है, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है 2 नंबर में. मान लेते ये है, ये है, ठीक है, ये है ए, ये बी है और ये सी है. 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. तो इसमें कितना कर सकते हैं, अगर हम ए और बी को मिलाते हैं, ए सी को मिलाते हैं और ए और बी और सी को मिला देते हैं, है ना. तो कितना है, हाउ मेनी लाइंस, कितने लाइंस हो गए, 1 2 3. इसमें लिख देंगे 3 लाइन सेगमेंट. ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं. चलो अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, स्ट्रेट लाइन, ये सबका डेफिनेशन याद रखना है और फिर ये बहुत ही इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. 3 नंबर का दिया हुआ है ड्रॉ 6 लाइन सेगमेंट्स विद द इन पॉइंट्स एट द 4 इवन पॉइंट्स. कह रहा है कि 4 पॉइंट दिया है लेकिन उसमें 6 लाइन सेगमेंट्स शो करना है और दिखाना है. इसमें 4 दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है, ये दिया, ठीक है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी और ये डी, इसको इसको यहां मिला दे सकते हैं, है ना. तो ये पहले कितना हो गया, 4 हो गया. देयर आर 4 लाइन सेगमेंट्स,
we draw a line segment between B and D. अब कितना हो गया? 5 हो गया. और फिर हम A और C को मिला देते हैं, है ना? तो कितना हो गया? 6 हो गया. वन फिर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो इस प्रकार से हम इसमें we can show 6 line segments between 4 points. ठीक है, 4 point के बीच हम ये 6 line segments दिखा सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 4. फोर में क्या लिया? सम फिगर्स आर गिवन बिलो, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? रे, लाइन, सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन. ठीक है, जैसे ये 4 नंबर हो गया, ये फिगर दिया हुआ है ए नंबर में, सी डी, ये सी और ये बी है. ठीक है, तो इसका क्या करना है? इसको लिखना है कि ये क्या है. ठीक है, तो इसमें क्या है? 2 इन पॉइंट्स है. इसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट, है ना? इसका नाम हो गया लाइन सेगमेंट. अब ये नंबर है, ये बी नंबर का हम लोग देखते हैं. फिर पी क्यू दिया है, ये पी और ये क्यू. ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं. तो इस तरह का जो सिंबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रे. इसमें एक इन पॉइंट्स है और एक इनडेफिनिट है, है ना? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रे. इसको लिख देंगे रे. ठीक है, कोई दिक्कत है ना? चलो, ये हो गया रे. अब सी नंबर देखते हैं. सी नंबर, इसमें फिगर दिया हुआ है, बोथ साइड हैज एरो, दोनों साइड इसमें क्या है? एरो दिया हुआ है. ठीक है, दोनों साइड क्या है? इंडेफिनिट है. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो इस फिगर्स का नाम होगा स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और ये सभी का डेफिनेशन हम पहले लिखा भी चुके हैं, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग फिगर को देखकर बता सकते हैं कौन लाइन है, कौन रे है और कौन स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का था. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ये इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है. ये फिगर दिया हुआ है और इसमें नीचे इसका नेम और सिंबल लिखना है. जैसे ये 5 ए नंबर्स, यहां एल और यहां पर क्या दिया है? एम दिया हुआ है. ठीक है, तो इसका नेम लिखने के लिए कह रहा है. इसका नेम क्या होगा? जिसमें एक तरफ एरो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रे. इसका नाम क्या हो गया? रे. और इसका सिंबल में लिखना है, सिंबल लिखना है. ठीक है, इसमें हो जाएगा एल एम और ऊपर में एरो का निशान. ठीक है, ये जो एरो है ये रे को शो कर रहा है. ठीक है, अब हम बी नंबर देखते हैं. ये बी नंबर का है, इसमें बॉक्स साइड हैज एरो, यानी दोनों साइड इसमें एरो दिया हुआ है और ये एक्स और ये वाई. तो दोनों साइड अगर एरो रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन, है ना?
तो यहाँ नेम लिखना है इसका नेम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ठीक है और इसका सिंबल दिखाना है फिर हमको सिंबल सिंबल में क्या हो जाएगा एक्स वाई बोथ साइड हैव एरो दोनों साइड इसमें क्या होता है एरो होता है ना ठीक है अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं फाइव का सी ये इस तरह लिखा हुआ है ये है ना ई और ये एफ है टू इन पॉइंट्स है टू इन पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट है इसका नेम क्या हो जाएगा नेम लिखेंगे इसमें लाइन सेगमेंट और इसका सिंबल है ना इसका सिंबल क्या हो जाएगा यहाँ ई एफ है लिखेंगे ई एफ बस हो गया तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसको भी सॉल्व कर देते हैं फिर ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा खत्म हो जाएगा और तुम लोगों को इसको सॉल्व करना है घर में इसको समझना है और फिर बनाना है क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच अमाउंट स्ट्रेट लाइन रे एम लाइन सेगमेंट हैज टू इन पॉइंट्स कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन रे और लाइन सेगमेंट में किसमें टू इन पॉइंट्स होता है तो टू इन पॉइंट्स किसमें होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट है ना बस तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म होता है फिर अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे थैंक यू